अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत अहम प्रोग्राम है क्योंकि आप लोग जिनमें से वो लोग जो तालीम के शोबे से कहीं ना कहीं वाबस्ता हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे वो लोग तालीम के शोबे से इस तरह से वाबस्ता हैं कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत अहम होगा। हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है कि जो पब्लिशर्स हैं, पाकिस्तानी पब्लिशर्स, वो किन कीमतों पर किताबें छापते हैं, सरकारी कीमतें क्या होती हैं, जो कि स्कूलों में किताबें मिलती हैं उनकी कीमतें क्या होती हैं सरकारी स्कूलों की, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में जो किताबें मुहैया की जाती हैं उनकी कीमतें क्या होती हैं। नाज़रीन, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, अगर उसके कवानीन के हवाले से हम बात करें, 2015 का कानून, उसकी शिक नंबर 10, अगर तो हम उसके हवाले से बात करते हैं तो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जितनी किताबें मिल रही हैं उनकी कीमतों को या तो कंट्रोल करे या उनको उनकी नजरसानी करे या फिर उनकी निगरान हो। अब मामला ये है कि जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो कानून 2015 है उसकी शिक नंबर 10 में कुछ तरामीम करने के हवाले से तजावीज़ आई हैं, अगर तो ये तरामीम हो जाती हैं तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी पब्लिकेशंस, उनकी किताबें भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो देखेगा और उसको कंट्रोल करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आज हमने बात करनी है पेपर के हवाले से भी कि जो पाकिस्तान में किताबें छप रही हैं उनकी कीमत क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एक सर्वे किया गया है जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सर्वे किया है, उसमें चाइना से भी कुछ कोटेशन मंगवाई हैं और उन कोटेशंस के हवाले से जो पंजाब में यानी पाकिस्तान में किताबें छप रही हैं वो महंगी हैं और उसका कागज़ भी लो क्वालिटी का है, और जो कोटेशन चाइना से मंगवाई गई है उसमें किताबों की कीमत कम भी है और जो कागज़ है उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं आपको दूंगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो मेरे हाथ में आप किताबें देख रहे हैं ये पुराना कोर्स है। अगर आपका कभी इत्तफाक हुआ है उर्दू बाजार आने का तो मैं आपको कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि दिखाएं कि ये जो किताबें हैं ये पुरानी हैं, और ये अगर जो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नई किताबें खरीदने के लिए वो यहाँ का रुख करते हैं और पुरानी किताबों में से खरीदारी करते हैं, तो ये पुरानी किताबें हैं। अगर इसकी कीमत के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो ये जो किताब मैंने पकड़ी है ये चौथी जमात की साइंस की किताब है और इसकी कीमत है $8, और ये अगर पाकिस्तानी करेंसी में पहले के लिहाज से कन्वर्ट करें तो ये 305 की बनती है, लेकिन ये चूंकि पुरानी किताब है पहले डॉलर की कीमत कुछ और थी, अब डॉलर की कीमत कुछ और है, अब डॉलर 140 का हो गया है, तो उसके हिसाब से अगर $8 आप कन्वर्ट करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अब इस पुरानी किताब की क्या कीमत बनती है। अच्छा, अब ये वाली जो किताब है ये है सोशल साइंस और पहली जमात की किताब है और इसकी कीमत है ₹210। अगेन ये ₹210 पुराने डॉलर के हिसाब से होगा, अगर ₹140 अब आप हिसाब लगाएं तो इसकी कीमत बढ़ गई है। आइए प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं, साइंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है, किताबें किस तरह से मिल रही हैं, कागज़ कौन सी क्वालिटी का होता है और कितनी महंगी किताबें हैं और इनको कंट्रोल कौन करेगा, प्रोग्राम में आपको बताते हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी, बीकॉम पार्ट टू की। बीकॉम पार्ट टू, माशाल्लाह से। अच्छा, ये बताइए किताबें ले ली आपने? जी ले ली। ये हैं आपकी किताबें? जी। ये देख सकते हैं ये इनकी किताबें हैं। आपने सेकंड हैंड लिए हैं? फर्स्ट सेकंड हैंड। और सेकंड हैंड लेने का मकसद क्या था, सॉरी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ या नहीं? फर्स्ट हैंड बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कोई मिडिल क्लास बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं कर सकता। और सेकंड हैंड भी आपको कितने की मिल गई, बिल कितना बन? 1000 की मिली है, 4 बुक्स, 4 किताबें 1000 की। तो कोई पैगाम दे सकती हैं आप हुकूमत वक्त को कि पढ़ना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, आपका ओपिनियन क्या है? एजुकेशन हमारी कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुक्स कम होनी चाहिए, बुक्स के प्राइस कम होने चाहिए। अच्छा। ताकि हर मिडिल क्लास बच्चा भी पढ़ सके, अमीर से लेके गरीब तक पढ़ सके। और अच्छा, बहुत से लोग दावा करते हैं हुकूमत में कि किताबें तो मुफ्त दी जाती हैं, क्या आपको किताबें मुफ्त मिली हैं या अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं कभी? जी, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। आपको कभी किताबें मुफ्त मिली हैं? नहीं, कभी भी नहीं। स्कूल में भी पैसों की दी जाती हैं बुक्स। कौन से स्कूल में, आप बता सकती हैं कौन सा स्कूल था आपका? जी, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल। और आपने हमेशा पैसों की किताबें ली हैं? जी, स्कूल से ही मिलती थी। सन भी बता दें कि जब आपने मैट्रिक किया, जिस सन? मैंने मैट्रिक 2015 में किया।
15 تک آپ نے جب بھی کتاب خریدی آپ نے پیسے کی خریدی؟ جی 15 تک میں نے پیسوں کی خریدی اور اس کے بعد میں نے پرائیویٹ کیا. اس کے بعد آپ نے پرائیویٹ کیا. چلیے بہت شکریہ, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. السلام علیکم. کتابیں لینے آئے ہیں؟ میرے بیٹا ہوں. کون سی کتابیں لیں؟ سکس کے لیے. جی آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ فاطمہ جناح. وہاں پہ یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے؟ جی سرکاری اسکول. جی تو آپ خریدنے کیوں آئے ہو کتابیں؟ آپ کو اسکول کتابیں سامنے اسکول تو ملتے ہیں؟ اسکول سے ملتی ہیں نا. ملتے ہیں میرے بیٹا, ایمان آپ نے نہیں خراب کر. جنہ جڑے ادھے ملتے ہیں ادھے اسی ادھر خرید, جڑے نہیں ملتے ہیں نا وغیرہ گرامر وغیرہ جو نہیں ملتی وہ اردو بازار سے لیتے ہو؟ جی. کتنے کی آتی ہیں کتابیں؟ جتنے وہ پیسے لے لینے پرانے لے سیکنڈ ہینڈ لیتے ہیں. جی وہ پرانے پرانے دیکھے نا انہوں نے اور پیسے پا کے تھے پرانے لے. اچھا جو کاپیاں ہیں جس پہ آپ لکھتے ہیں نوٹ بکس, ان کی کوالٹی کیسی ہے؟ پیپر کیسا ہوتا ہے؟ مزے کا نکلنے میں مزہ آتا ہے یا پھر پیپر خراب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے. صحیح ہوتا ہے؟ جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے والی لی ہے کاپی. جی ٹھیک ہے. میری پانچ بیٹیاں نا اے میرے نواسی کے میرے پانچ ساری عمر میں ایک روپیہ تو کتاب نہیں لیا, تو وہ ادھر پتا نہیں کی نام ہے من اس کا نام نہیں آخری کتاب وہ دینا ساری عمر وہ دینا. اللہ دن کی تندرستی. اللہ ڈونیشن دیتے ہیں آپ؟ جی خود ہی دیتے ایک روپیہ. اچھے لوگ بھی ہیں؟ اچھے بھی ہے میرے بیٹا اللہ ست گئے اللہ انہوں درجہ دے میرے پانچ بیٹی اس نے پڑھے. صحیح ہے لیکن یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے نا. آہو بس میرے بیٹا کسی نے زبردستی تو نہیں ہے. چلیے ٹائم دی روٹی کھاؤ بھی اللہ شکر ہی کر رہی ہے. چلیے بہت شکریہ میرے سے بات کرنے کے لیے, بہت شکریہ. ایک سر میں مائک کرتی ہوں. چلے ایک اور فیملی ہے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ ان کے والد ہیں. والد ہیں آپ؟ نانا ہوں. ان کے نانا ہے آپ؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. اچھا کون سی کلاس میں ہے یہ؟ یہ اپنا 5 میں. اور 5 کلاس کا ابھی یہ 5 کلاس میں گئے ہیں؟ جی آپ گئے ہیں. کورس لینا ہے؟ جی ہاں لینا ہے. سرکاری اسکول ہے ان کا یا پرائیویٹ؟ یہ سرکاری نہیں ہے وہ اپنا پرائیویٹ ہے. پرائیویٹ اسکول ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کتنے کا کورس آ گیا ہے 5ویں جماعت کا؟ اپنا بہت مہنگا ہے. کتنا؟ بہت تقریباً یہ آیا ہے 2000 روپے میں آیا ہے. 2000 کا ہے جو آپ کی پہنچ سے باہر ہے؟ میری پہنچ سے باہر ہے جی, میں سرکاری ملازم ہوں. سرکاری ملازم ہے. اور جو آپ 2000 کی بات کریں اس میں صرف کتابیں ہیں, کاپیز؟ کاپی نہیں ہے. باقی اسٹیشنری بالکل نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل نہیں ہے. کیا پیغام دیں گے آپ حکومت کو؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ یہ جو یہ اپنا اپنا پرائیویٹ ہے نا اسکول, ان میں کوئی رعایت ہونی چاہیے. تو سرکاری میں تو ہیں لیکن سرکاری میں وہ نہیں ہے, وہ اپنا پڑھائی نہیں ہے. ہاں جی اپنا پرائیویٹ میں کچھ ہے لیکن وہ اپنا مہنگائی بہت ہے اور فیسیں بہت لے رہے ہیں. شہری آبادی ہے زیادہ تر, ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ میں؟ پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں. اور پرائیویٹ کو بھی ریگولر ہونا بہت ضروری ہے؟ بالکل لازمی ہونا چاہیے. کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے کیونکہ اپنے والدین نہیں افورڈ کر سکتے. جی ہاں چلیے بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے. اچھا مجھے بتائیے کتابیں آج کل پڑھنا کتنا آسان ہے, کتابیں خریدنا کتنا افورڈیبل ہے؟ بہت مشکل ہو چکا ہے خاص کر کے وہ لوگ جن کی آمدن برائے نام ہے. اب تو جو اچھی پے پہ بھی بیٹھے ہیں نا ان کے لیے بھی کتابیں خریدنا بہت مشکل ہے, اور بالخصوص جہاں پہ وہ ایریا جو دیہاتی ہیں وہاں گورنمنٹ اسکولوں میں بھی وہ کتابیں بھیج رہی ہیں جن کا میڈیم اردو ہے لیکن انگلش میڈیم کتابیں بھجوانی پڑتی ہیں بھیج رہی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو اپنی جیب سے خریدنی پڑتی ہیں. جہاں پہ ان کے والد کی آمدن 300 ہے انہیں کتابیں 2000 سے 3000 میں خریدنی پڑتی ہے 5-5 کلومیٹر کے حدود میں. کون سے گاؤں سے آپ کا تعلق ہے؟ میں گجرات سے ہوں, میں بہاول نگر کی بات کر رہا ہوں جہاں اتنی دور ہے, اور خاص کر کے حکومت کو چاہیے کہ 40-40 کلومیٹر پہ بچیاں 9-10 کے پیپر دینے جا رہی ہیں. انہیں چاہیے کہ جیسے لاہور میں باقی جہاں پہ سہولت ہے گھر کے قریب پیپرز ہوں. یہ آپ بات کر رہے ہیں رورل ایریاز کی, بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کی. کچھ لوگ یہاں پہ کتابیں خرید رہے ہیں اور ہم سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. کتابیں خریدنا کتنا مشکل ہے یا آسان ہے آپ کے لیے؟ آج کے دور میں کتابیں خریدنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے میڈم. پرائیویٹ 100 سے زیادہ پبلشر پرائیویٹ کر دیے گئے ہیں اور وہ ڈبل اپنی دیاریاں لگا رہے ہیں, اسکول والے علیحدہ دیاریاں لگا رہے ہیں, کمیشن علیحدہ کھا رہے ہیں اس کتابوں میں. حکومت کو چاہیے کہ ریلیف نصاب ایک جیسا کرے پرائیویٹس اور گورنمنٹ کا تاکہ بچے جو ایزیلی پڑھ سکے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ہیں پریکٹیکل کی کاپی خرید رہے ہیں. یہ جو پریکٹیکل کی کاپیز ہوتی ہیں ان کے اندر کون سے پیپر استعمال ہوتے ہیں یا کون سے کیٹیگری کا کاغذ استعمال ہوتا ہے یہ میں دکاندار سے جان لیتی ہوں, کوشش کرتے ہیں یہ ہم سے بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ جو فزکس کی یہ پریکٹیکل بک ہے؟ ہاں جی. اس کا کاغذ کون سی کوالٹی کاغذ؟ یہ ٹیچر ہی دے کے جاتے ہیں ہمیں.
मैं कागज की अगर क्वालिटी की बात करूँ, कागज का नहीं हमारा, बुक्स का काम है, पेपर जो बना। मुआवजना तो कर सकते हैं, एक ईमानदार मुआवजना, अगर तो एक बाहर के लेवल की किताब है उसके अंदर कैसा कागज इस्तेमाल होता है, और हमारा बच्चा जो किताब पढ़ रहा है उसके अंदर कौन सा कागज इस्तेमाल हो रहा है। वो बुक बना ही नहीं सकते, वो ओरिजिनल किताब होती है, बड़ी महंगी। आ सकते हैं आप बाहर, दिखा दे तो ओरिजिनल किताब। मुझे ओरिजिनल कागज जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कागज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, उसको तो पढ़ने का भी मजा आता बच्चे को, ये तो बेकार। हमारे यहाँ बच्चे वो कागज पढ़ रहे हैं, उसी उस कागज से पढ़ रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे, नहीं पढ़ रहे। ये है, ये बाहर का मैं नहीं, ये भी यहीं का है। दिखाएं मुझे, मैं देखना चाहती हूँ, नाज़रीन देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्वालिटी कागज है। ये देखें जरा, इसके अंदर जो कागज है ये मियारी है। और अच्छा दिखा सकते हैं कागज, दिखा सकता हूँ, फॉरन में दिखा सकता हूँ, दिखा दें मुझे फॉरन कंट्रीज का। उसको मजा भी आएगा किताब पढ़ने का, कि मैंने बुक पढ़ी है, ये देखें जरा। ठीक है, ये क्या, मैं इनसे गुजारिश करूंगी पेपर को जरा जूम इन, वो भी दिखा दूं आपको, वो भी दिखाएं हमें, अच्छे से अच्छा दिखाएं, कागज दिखाएं इनको, ग्लोसी है ये तो। हाँ जी, एक और कागज दिखा दूं आपको जो कलर में होता है, और स्टूडेंट पढ़ेगा वो, उसको पता भी चलेगा। मैंने अच्छा, ये जो मैार है कागज का, ये बाहर का है, नहीं मान सकते पाकिस्तान, हमारे सरकारी स्कूल में ये कागज दिया जा रहा है, कभी भी दिया गया? नहीं दिया गया, कभी भी नहीं दिया जाता आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान। 20 साल में मैंने तो नहीं देखा पाकिस्तान ने ऐसा कागज लगाया हो बुक को। मुझे और भी जरा अच्छा कागज दिखा दें, ताकि हम अपने प्रोग्राम में दिखा दें कि हमारे यहाँ सरकारी किताबों से लेकर जो प्राइवेट स्कूल की किताबें हैं उनमें कौन सा कागज इस्तेमाल होता है, और इम्पोर्टेड कागज क्या है जो हमने कभी देखा ही नहीं, ये भी देख लेते हैं। ये कागज, अच्छा ये जो है, इसका बताएं, डिस्क्राइब करें इसको, क्या कौन सा कागज है? आर्ट पेपर है ये। कितने का यहाँ पे अगर ये किताब? ये इसमें अंदाजा नहीं है। 100 रुपीज के जी, 300 किलो। हाँ जी, 300 रुपए किलो। वो कागज जो है वो 80 रुपए किलो है। कौन से कंट्री का कागज है ये वाला? ये है कंट्री लिखा होगा इसमें, ये पब्लिशर है, इंग्लैंड के, यूके के। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे मुआवजना करने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि आपने, मैंने, आपके बच्चों ने, आपके बड़ों ने जो किताबें पढ़ी हैं उनके अंदर जो कागज़ लगा था उसका मैार क्या था, और इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ जो अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपने स्कूलों में किताबें इस्तेमाल करवाते हैं, उनके कागज़ का क्या मैार है। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना है कि आप लोग जब किताबें खरीदते हैं, क्या वो खरीद आपकी पहुंच में है या महंगा है, बहुत बहुत सस्ता है, कुछ कंपैरिजन करेंगे आप हमारे लिए? पढ़ना आसान है, अफोर्डेबल है? नहीं, पढ़ना तो कहाँ आसान है, अभी पढ़ना तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। कैसे, क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात यही कि एवरीथिंग, हर चीज बहुत महंगी हो गई हुई है, और कुछ भी नहीं है, फीसें स्कूलों की बहुत ज्यादा हो गई हुई है। अभी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो स्टडी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल की, अगर प्राइवेट पढ़ाए तो उधर महंगा, फीसें बहुत ज्यादा हैं। आप ट्विंस हैं? नहीं। कौन सी क्लास में? 8, 6। अच्छा, तो आपने जो आपका स्कूल है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट? प्राइवेट। आपका कोर्स कितने का आया? आपने क्योंकि लिया नहीं ना, भाई ने लिया, इन दोनों का मेरी भांजियां हैं। किताबों का रेट बता दें, ये प्राइवेट स्कूल की। तीन बच्चों के लिए ये 5,000, तकरीबन 6,000 की किताबें ली हैं, 6,000-7,000 की। सारी आ गई हैं कि अभी रहती है? रहती हैं, तीन कुछ रहती हैं। किताबें आई हैं, नोटबुक रहती नहीं लिया अभी, नोटबुक्स नहीं लिया अभी, सिर्फ बुक्स हैं। ठीक है, ये लीजिए आपकी किताबें, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पढ़ना कितना आसान है? कीमतें किताबों की ज्यादा है या? आजकल बहुत मुश्किल हो गया पढ़ना। आइएगा कि किताबें कितनी मुश्किल हैं खरीदना, अफोर्डेबल हैं कि नहीं? नहीं, आजकल नहीं है, आजकल जो हालात हो रहे हैं नहीं हो रहा। आपके बच्चे या जिसके लिए भी आप किताबें खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए खरीद रहे हैं? हम स्कूल से बच के इधर आते हैं कि चलो इधर कम कीमतें होंगी, लेकिन इधर भी वही हिसाब है, डबल है कीमतें। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल में। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत कर के आ रही है ना, किसी गरीब के लिए कुछ कर ही नहीं रही हुकूमत। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी स्कूल में तो आपको पता है जो हालात होते हैं, मियार नहीं है, ऐसी गल समझे कि नहीं समझे? सरकारी स्कूलों में मियार तो है, लेकिन हम लोग सहूलतें बहुत ज्यादा मांगते हैं,
तो पैसे जेब में होता है सरकारी स्कूल में कौन डालता है? ये बात नहीं है, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। हम मेरे मसला तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लासें चेंज हुई हैं, मुझे कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपए की ये क्लासें चेंज पड़ी है। गवर्नमेंट के स्कूल की बिल्कुल ना पढ़ाई है, टीचर स्कूल में नहीं है, फर्नीचर स्कूल में नहीं है, पानी स्कूल में नहीं है, तो क्या मियार रह गया? हम टैक्स हर चीज देते हैं, हम दूध में भी टैक्स देते हैं, मोबाइल में भी टैक्स देते हैं, फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे। बस सर, सर बच्चे पढ़ लिए आपके या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं जी, हमारे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट में जा रहे हैं या सरकारी में? सरकारी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किताबें मुफ्त मिल रही हैं? किताबें तो यकीन करें कि अभी तक हमें किताबें मिले नहीं। हम तो इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको पता है कि हर साल नई क्लासें चढ़नी है और इनको चाहिए कि 6 महीने पहले तैयारी करें, इतने बच्चों को किताबें देनी है। अच्छा ये बात है कि मुफ्त किताबें तो छोड़ें, हमें तो पैसों से भी किताबें नहीं मिल रही। इतने सर परेशान हो रहे हैं, हम दुकानों पे जा रहे हैं किताबें लेने के लिए कि हमें किताबें मिलें, किताबें बच्चों को नहीं मिल रही। अब स्कूल में जो मास्टर हैं वो सख्ती करते हैं, वो कहते हैं ये किताबें लेके आओ, तो हम किताबें कहाँ से लेके आए? हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कामों की मनसूबा बंदी पहले से करनी चाहिए, क्योंकि हर साल जो किताब बच्चे चढ़ते हैं तो उनको चाहिए कि अपना कागज जो है ना प्रिंटिंग प्रेसों को दें, ताकि हमें परेशानी ना हो। ये नई हुकूमत आई है, तब्दीली होगी, हमने कहा ये तब्दील हो जाएंगे, लेकिन हमसे जो भी बात करें वो कहते हैं जी वो करप्शन है, वो पागल है। हमें क्या है, देखें जी करप्शन की है, अदालतें मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं, इनका काम है कि हुकूमत का काम है अवाम को सहूलत दे, हमें सहूलत मिलेगी तो हम कहेंगे हुकूमत अच्छी है। अतः हमें ये नहीं पता कि ये चोर है, ये डाकू, हमें किसी पे गर्ज नहीं है। हमें किताबें दें, बच्चों को कापी दें। कागज़ जो है पहले हम 86 रुपए किलो लेते थे। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कागज़ पहले हम 86 रुपए लिया। शहरियों की परेशानी देखे, आप मेरी बात पूरी सुने, बताइए। कागज़ हम लेते थे 86 रुपए किलो, 88 हुआ, 100 हुआ, अब आज 110 रुपए मिल रहा है, तो हमने क्या कारोबार करना है, क्या हमने बिजनेस करना है दुकानों पे आके? तो आपसे हुकूमत से ही दरख्वास्त है कि आवाम की तरफ तवज्जो दें, उनको छोड़ दें, वो पागल है, चोर है, डाकू है, जो है उनको छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आवाम जो है वो गुस्से में है और गमो गुस्से का इजहार इस तरह से कर रही है। हम अपने प्रोग्राम्स में मुबस्सरीन को बुलाते हैं, एनालिस्ट को बुलाते हैं, लेकिन आवाम जो है जब तकलीफ का शिकार होती है तो वो मुबस्सरीन भी बन जाती है, एनालिस्ट भी बन जाती है, और अपने हकूक के लिए किस तरह से आवाज़ उठाती है वो आपने अभी देखा। आइए मजीद लोगों से बात करते हैं। आपने कौन सी क्लास के लिए, कौन सी क्लास? 10वीं क्लास की। अच्छा ये बताइए, पढ़ना आसान है मुश्किल है? आसान है, बच्ची पढ़ लेती है सही। नहीं, बच्ची तो पढ़ लेती है, किताबें आपके लिए खरीदना आसान है या मुश्किल? बहुत मुश्किल है, महंगाई इतनी हुई है कि हमारा खाना खराब हो गया है। अच्छा कितना खाना खराब हुआ? सब पूरे पाकिस्तान का खाना खराब हुआ, इतनी महंगाई की है, खाने को भी हम तरस रहे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे में पढ़ना कितना आसान है? पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। बहुत ज्यादा मुश्किल है, पढ़ाई भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। अब हुकूमत को चाहिए कि हमारा कुछ सोचे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि किताबें खरीदना आसान है या मुश्किल है कीमतों के हवाले से? मुश्किल ही है, आसान कहाँ है, महंगाई कितनी मुश्किल, कितनी ज्यादा कीमतें हैं किताबों की? कीमतें ज्यादा बस ठीक है, चल रहा है सिस्टम जैसे दुनिया का चलता है। दुनिया का तो ऐसा नहीं चल रहा, पाकिस्तान का ही चल रहा है, सब ऐसा ही है। कौन बात करता है इस बात पे, बस सही है। तालीम के ऊपर कोई बात नहीं करता? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बस चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, बस ऐसे। कोई मैसेज दे दें, किताबें सस्ती होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए? अरे सस्ती होनी चाहिए, कोई गरीब है नहीं खरीद सकता, तो जाहिर है कुछ लोगों के माँ बाप नहीं है, यतीम है बच्चे, उनको कोई आसरा मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी? सरकारी में पढ़ते हैं। फिर भी आप किताबें खरीद रही हैं? तो जाहिर है, नहीं नहीं गवर्नमेंट की नहीं खरीद रहे हम, ये प्राइवेट की खरीद रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आपने देखा है, हमने लोगों से बात की है और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है किताबों के हवाले से, किताबों की कीमतों के हवाले से। अगर ये कीमतें कंट्रोल हो जाती हैं तो पढ़ना वाकई में आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी एक सारिफ से मेरी बात हुई है जो किताबें खरीद रहे थे, उनका ये कहना है कि शहरी आबादी में 60% लोग जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल में जो कीमतें हैं किताबों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसको भी रेगुलेट करने की वक्त की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे
पेपर्स मिल्स एसोसिएशन वालों से और इसके अलावा पब्लिकेशन वालों से हम बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है, पाकिस्तान में किताब को छापना इतना मुश्किल और महंगा क्यों है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।